हाँ दोस्तों, मैं अंशु पांडे आपके सामने फिर एक आज नया वीडियो लेके आया हूँ क्लास टेंथ मैथ्स में। आज हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप थ्री स्टेप में हमने उसको सॉल्व किया था। उसमें हमने देखा था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही यूज़ कर रहे हैं। आज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और फिर आप आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस दिया होगा इस बेस पे आप उसको सॉल्व कीजिएगा। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, उसको लगाने की कोशिश करते हैं। इसे मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चंस है कि फाइंड लिखा है, फाइंड जैसा कि कल हम बता चुका था, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड एच सी एफ ऑफ किसका, 1188 एंड 504 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि लिखने का तरीका, आपके पास लिखने का तरीका कैसा है, उससे आप स्टैंडर्ड तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको फुल डिटेल के साथ सॉल्व करें, या तो इसको आप कम डिटेल के साथ सॉल्व करें। अब हम दोनों तरीके से सॉल्व करके आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ताकि पहले क्या करें कि पहले हम एचसीएफ निकालने वाले जो जो मेथड हमको आता है बेसिक मेथड उसको लगा लें। तो पिछली क्लासेस में 7-8 में हमको एचसीएफ निकालने के लिए डिवीजन मेथड बताया गया है। तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। तो डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है। तो यहाँ पर जो नंबर यह है मेरा 1188, ये बड़ा है किससे, 504 से। तो ये हम लिखेंगे, फिर देखेंगे कितनी बार में जा रहा है। तो हम इसको ले जाएंगे टू टाइम में ले जाएंगे, थ्री टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, टू टाइम ले जाएंगे तो 5 2 4 8 0 5 2 10 ये हो जाएगा 0 8 1 1 के टाइम गया, फिर 1 के टाइम गया, फिर हम 180 से डिवाइड करेंगे किसको, 504 में डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका टू टाइम में जाएगा। तो लिखेंगे 0 2 16 कैरी 1 2 1 3 4 10 में से 6 जाए 4 या आपका हाँ, और 4 में से 3 जाए 1 144। फिर डिवीजन करेंगे तो ये 180 से डिवाइड करेंगे, 180 में कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम में जाएगा। तो 180 टू 1 टाइम, ठीक है, तो 144। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 3, ये कट गया। फिर 36 से डिवाइड करेंगे किसको, 144 को। फिर कितने टाइम जाएगा, ये मे बी 4 टाइम में चला जाना चाहिए, तो 6 4 24 कैरी 2 और 6 3 12 14 चला गया, रिमाइंडर क्या है, 0। तो हमने ऐसा कब तक किया, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ गया। तो सेम हम यही नियम, यही रूल अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कैसे सॉल्व किया जाता है, देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो जैसे जैसे हम यहाँ करते चले गए हैं वैसे वैसे हम एल्गोरिथम में भी लिखते चले जाएंगे। तो एल्गोरिथम के लिए हमको पता है कि मेरे पास दो इंटीजर होने चाहिए, ए और बी। यहाँ पर दो इंटीजर दिया हुआ है, एक दिया है 1188 और एक दिया है 504, उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फिर दूसरा कंडीशन मेरा क्या होता है कि इसको एक बड़ा होना चाहिए, बड़ा भी है। तो यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के लिए स्टेप्स फॉलो करते हैं, स्टेप बाई स्टेप देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। सॉल्यूशन के लिए मेरे पास इसमें स्टेप होने चाहिए,
हम पहले सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में देखेंगे, स्टेप फर्स्ट में देखिए, तो स्टेप फर्स्ट में मेरे पास होगा, लिखेंगे, इस चीज को मैं मिटा देता हूं, लिखेंगे सिंस, ये पढ़ा है 1088 इज ग्रेटर देन 504। देखिए लिखने का तरीका आपको सही होना चाहिए, सिंस 1088 इज ग्रेटर देन 504, फिर क्या करेंगे, वी डिवाइड, किसको डिवाइड करेंगे, वी डिवाइड 1188 बाय किसे, 404। हमने ये किया ना यहाँ पे, डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो क्या मिला हमको, डिवाइड करने के बाद टू टाइम आ गया, जैसे जैसे मान लिखे वैसे वैसे यहाँ लिख देंगे, बाय 504 वी गेट क्या मिला हमको, वी गेट टू एज क्वोशिएंट एंड 180 एज रिमाइंडर। एल्गोरिथम भी यही कहता है, तो एल्गोरिथम को ही हम फॉलो कर रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी देखिए यहां पर ए इज इक्वल टू क्या है, यहां पर लिखा हुआ था 1188, इसको लेंगे हम ए, और 504 इसको क्या लेंगे हम बी, बीच वाला पार्ट क्या हो गया ए, और ये वाला पार्ट क्या हो गया बी, ये चीज। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसके लिए क्या हो जाएगा, 1088 इज इक्वल टू बी क्यू, यानी 504 इंटू टू प्लस आर क्या आया 180। यार अब यहां पर देखिए हम ये कब तक करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या था कि हम ये कब तक करेंगे, जब तक कि आर की वैल्यू जीरो नहीं आ जाए। यदि आर की वैल्यू जीरो आ जाती है तो जो बी है आपका वही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर बी क्या है, देखिए ये वाला पार्ट ही क्या है आपका बी है, और ये वाला पार्ट क्या है आर, आर अभी जीरो आया ही नहीं, तो हम बी को आंसर कैसे लिख सकते हैं, जब आर जीरो आ जाएगा तो बी आपका आंसर हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट में मेरा आर जीरो नहीं आया, स्टेप सेकंड लिखेंगे, ऐसा स्टेप कब तक चलेगा, जब तक कि आर की वैल्यू जीरो नहीं आ जाए, जब आर की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो हम रोक देंगे, लिखेंगे सिंस, यहां पे सिंस द रिमाइंडर, क्या था रिमाइंडर 180, सिंस द रिमाइंडर 180 इज नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर की वैल्यू जीरो नहीं थी, फिर हमने क्या किया, वी डिवाइड करेंगे, वी डिवाइड, अब देखिए यहां पे ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया बी, और ये वाला पार्ट क्या हो गया ए, है ना, तो किसको डिवाइड कर रहे हैं 504 को डिवाइड कर रहे हैं, तो लिखेंगे वी डिवाइड क्या 504 किससे बाई 180, तो फिर क्या मिला हमको, वी गेट क्या मिला हमको, वी गेट टू एज क्वोशिएंट एंड और क्या 144 एज रिमाइंडर। फिर वही स्टेप, फिर क्या लगाएंगे हम, सो यूक्लिड डिविजन लेमा, इसलिए हम क्या लिखेंगे यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा उससे,
ए इज इक्वल टू यानी 500, 4 इज इक्वल टू बी क्यूब, बी क्या है 180, क्यू क्या हो गया आपका 2 और प्लस आर। ध्यान दीजिए बी और क्यू का जो अरेंजमेंट है यह जैसे बताया गया है फॉर्मूले में वैसे ही होना चाहिए। यहां पर बी है और आर क्या है 144, तो आर की वैल्यू अभी 0 नहीं आई, 0 आ गई होती तो कह सकते तो फिर नहीं, फिर कंटिन्यू जैसे वहां स्टेप में लिखा था ऐसा क्या करेंगे कंटिन्यू करते रहेंगे, कब तक जब तक कि 0 ना आ जाए। तो फिर यहां अप्लाई करेंगे क्या स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या होगा फिर वही चीज नहीं आया, फिर लिखेंगे ये वाली चीज सिंस द रिमाइंडर, सिंस द रिमाइंडर क्या था 144 इज नॉट इक्वल टू 0, फिर क्या करेंगे हम वी डिवाइड, किसको डिवाइड किया हमने फिर यहां पर देखिए ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा ए और ये वाला पार्ट मिल जाएगा आपका बी। तो हमने किसको डिवाइड किया डिवाइड 180 बाई किसे 144, हमें क्या मिला वी गेट, क्या मिला हमको वी गेट 36, वी गेट 1 एज कोशेंट, कोशेंट एंड 36 एज रिमाइंडर। फिर यूक्लिड डिवीजन लेना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सॉरी, एल्गोरिथम ही चल रहा है ना, तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सॉरी यह एल्गोरिथम न रख करके यहां पर हम लेमा लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा, कि हम लेमा का यूज कर रहे हैं यह लेमा ही सही रहेगा। लेमा ही सही रहेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये तो क्या होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या लिखेंगे देखिए, तो हम लिखेंगे 180 इज इक्वल टू क्या 144 इंटू 1 प्लस 36। अब यहां पर देखिए यहां पर बी क्या हो गया आपका 144, बी 144 अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर वही चीज इसी स्टेप को हम फिर लिखेंगे नीचे स्टेप फोर्थ में, ये कब तक स्टेप चलेगा जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। तो फिर ये चीज लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ सब कुछ वही चीज है जगह कम है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका 144 इज इक्वल टू 36 प्लस 4 सॉरी 36 इंटू 4 प्लस 0। यहां पर देखिए कि 36 क्या है आपका b और रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0, जब रिमाइंडर 0 आ गया तो b वाला आपका आंसर हो जाएगा यानी डिवीजन आपका क्या हो जाएगा आंसर 36 आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो लिखेंगे द लास्ट में द एचसीएफ ऑफ किसका 1188 एंड 504 इज 36, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये लिखने का तरीका आइडिया, आप इस आइडिया से लिख करके एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने एक अच्छा मेथड बताया।
में भी ये समझ में आ गई होंगी चीजें, यदि ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा तो ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर हमने ये मान लिया था कि ए यही है और बी यही है। अब देखें कि मान लीजिए हम एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ गया और सॉल्व कर रहे हैं और समय आपके पास बहुत ही कम है, तो इतना बड़ा लिखने थोड़े नहीं जाएंगे, इतना बड़ा लिखेंगे तब तक समय ही मेरा खत्म हो जाएगा। तो उस समय हम इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे कम से कम समय में, उसके लिए देखते हैं। तो मैं भी ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इस चीज़ को नोट्स कर लें या फिर समझ लें कि कैसे कैसे हुआ है और इस बेस पर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। आइए इसको देखते हैं कि कम समय में आपके पास कम समय बचा हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट करने के लिए ज्यादा कुछ लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट करने के लिए लिखेंगे यहां पर a इज इक्वल टू 1188 एंड b इज इक्वल टू 504 दिया है, तो लिखेंगे बाई यूक्लिड बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या करेंगे, तो यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है। तो अब ए क्या है यहाँ पे 1188 इज इक्वल टू बी क्या है आपका, बी है 504 इंटू क्यू क्या है, तो क्यू वहां है 2 और आर क्या है 180। यहाँ पर बी आपका 504 है, फिर हमने डिवाइड किया, ए बन गया 504, जो बी है नेक्स्ट स्टेप में वही ए बनेगा, जो यहाँ बी रहेगा आपका, जो पहले लाइन में बी रहेगा वही नेक्स्ट स्टेप में ए बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 504, तो क्या होगा आपका 180 रिमाइंडर था आपका इनटू 2 प्लस 144। अब जो 180 है ये क्या बन गया आपका b, ये वाला पार्ट क्या होगा आपका b, फिर भी यहां पे क्या बन जाएगा आपका a, ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू सॉरी हाँ हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया था 144 इंटू 1 प्लस 36। फिर यहां b क्या है आपका, b है आपका 144, यहां पे क्या बन जाएगा यही a, जब 144 हो जाएगा 144 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36 इंटू 4 प्लस 0। यहां जो b लास्ट जब रिमाइंडर ये 0 आ गया, ये क्या है आपका रिमाइंडर, ये आपका 0 आ गया तो 36 एस क्या हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा, तो जो आपका एस सी एफ हो जाएगा यही आपका 36 वाला पार्ट जो होगा आपका यही एस सी एफ हो जाएगा। लिखेंगे द एस सी एफ ऑफ 1188 एंड 504 इज 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से एग्जाम में कम समय में इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ एग्जाम में इसको यहाँ हाईलाइट नहीं करेंगे, ये हमने भी सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दिया है कि कैसे होगा, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको नहीं लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है, मेरी समझ में आ चुका होगा इसको, आप उस तरीके से लगा सकते हैं यदि आपके पास समय बचा हुआ है तो, यदि आपके पास समय नहीं बचा हुआ है तो आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, मे भी ये समझ में आ चुका होगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दूंगा, कुछ क्वेश्चन को मैं यहीं सॉल्व करा दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि डायरेक्ट नहीं कटते हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एस सी एफ फाइंड करना है, एस सी एफ निकालना है 12 का और
210 का, बोलिए इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, वही मेथड लगाएंगे, 210 में डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है, 12 से डिवाइड करेंगे तो वन टाइम में जाएगा, क्योंकि टू टाइम में बड़ा हो जाएगा, तो वन टाइम में जाएगा तो क्या होगा, 12 वन था 12, ये हो जाएगा आपका 11 में से 2 जाएगा 9 और ये हो जाएगा 19। अब तुरंत तुरंत इस 19 में 12 से डिवाइड ऐसे नहीं करेंगे जब तक ये पूरा डिवीजन मेरा खत्म नहीं हो जाता। अभी मेरा ये फर्स्ट डिवीजन खत्म नहीं हुआ है, तो खत्म करने के लिए फिर एग्जाम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 10 + 5 = 84 टाइम में जाएगा, 84 टाइम जाएगा, 84 टाइम में जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 और ये हो जाएगा आपका कुछ नहीं, फिर डिवाइड कर दिया तीन ऐसे। तो ऐसे डिवीजन में कंफ्यूज ना हो, जब तक एक बार डिवीजन पूरे तरीके से नहीं चला जाता है तब तक हम उसको आगे नहीं लिखेंगे। 6 फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, तो 6 × 12 रिमाइंडर 0, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 आपका एचसीएफ हो जाएगा, इन दोनों में एचसीएफ हो जाएगा आपका 6। तो ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चन थे, आप इसको ऐसे लिख करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा लिख सकते हैं, किस तरह, डायरेक्ट 210 = 12 × 17 + 6, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 12 = 6 × 12 + 0, एचसीएफ आपका हो जाएगा 6, ठीक है, बाकी सब प्रोसेस लिख लीजिएगा बीच में। मे बी ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे किस किस तरीके से एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन द्वारा सॉल्व होता है। यदि क्वेश्चन बोला हुआ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा तो ऐसे ही कंपल्सरी आपको लगाना है, यदि नहीं बोला है तो फिर जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, एचसीएफ के कुछ और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं, इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं। आइए इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एचसीएफ कभी कभी आपको 3 नंबर में पूछ देता है, अभी हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा एचसीएफ सॉल्व किया तो हमने 2 नंबर से किया, अब मेरे पास 3 नंबर हैं, तो इन तीनों नंबर के लिए हमको एचसीएफ निकालना है तो हम कैसे डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। जैसे दे दिया, हम इसको सॉल्व करने के लिए डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, इसमें सबसे पहले कोई 2 नंबर ले लेते हैं जो आपको इजी पड़े, हम दो नंबर ले लेते हैं 48 से करते हैं पहले 72 को, तो ये चीजें हम शुरू से करते आ रहे हैं, क्लास 6-7 से करते आ रहे हैं, ठीक है ना, इन चीजों को देखेंगे तो चूंकि 2 टाइम में ज्यादा हो जाएगा 1 टाइम ले जाते हैं 48, ठीक है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, ठीक है, 6 में से 4 जाए तो ये हो जाएगा 2, फिर 48 कितने हो जाएगा 2 टाइम में, ये 48 रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो यहां से एचसीएफ क्या आया, तो यहां से जो एचसीएफ आया आपका ये वाला पार्ट क्या आपका एचसीएफ है, लिखेंगे एचसीएफ किसका 48 और 72 का क्या आया, या 24, इन दोनों निकाले तो 3 का निकाला था हमको। अब फिर इस एचसीएफ और जो तीसरा नंबर बचा है उसको लेंगे, तो एचसीएफ किसका निकला फिर बार 24 जो आया आंसर उसको लेंगे, और जो नंबर बचा है उसको 120 इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो ये देखिए कितने में जाएगा 5 टाइम में, 5 × 4 = 20 कैरी 2, 5 × 2 = 10 और 2 = 12, ये आ गया आंसर आपका रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गया तो हम रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या करेंगे, फिर लिखेंगे द एचसीएफ, द एचसीएफ ऑफ किसका 48 and 72 इज 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम दो स्टेप में सॉल्व कर लेंगे, पहले दोनों को लेंगे तो जो आएगा आंसर उससे, और थर्ड वाला नंबर का हम एचसीएफ निकाल लेंगे, 3 नंबर मिल जाएगा। ऐसे हम 3 नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर दूसरा स्टेप खत्म होगा, दूसरा क्वेश्चन खत्म होगा। तीसरे टाइप में क्वेश्चन कैसे होते हैं उसको देखेंगे। तो तीसरे टाइप के क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है फाइंड लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लिविंग 5 इन ईच केस। हर एक केस में रिमाइंडर क्या बचे आपका 5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने सबसे पहले हम उस नंबर्स को फाइंड करते हैं जिसका एचसीएफ निकालना होता है। इसमें एचसीएफ नहीं लेगा, जब लार्जेस्ट नंबर पूछा होगा, ध्यान दीजिएगा, जब लार्जेस्ट नंबर पूछ दिया तो आप उस कंडीशन में क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो मेरे पास जो दिख रहा है 245 एंड 1037 इसका एचसीएफ नहीं निकालना हमको। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 रिमाइंडर बच रहा है, जब 5 रिमाइंडर बच रहा है तो हम सबसे पहले 5 को इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, 5 को तो सबट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड, हमको बोले ये नहीं चाहिए तो क्या करें, हम सबट्रैक्ट कर लें 245 माइनस 5 240 एंड 137 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये 1032। अब हमको इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, तब जाके हमें आंसर मिलेगा। एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों नंबर का तो क्या हो जाएगा आपका, सो द एचसीएफ ऑफ 240 एंड 1032 इसका निकालेंगे। अब एचसीएफ चाहे जैसे आप निकाल लें, या तो इक्वल डिवीजन लेमा से भी निकाल लें, या तो आपको जो मेथड पता है उससे निकाल लें। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही यूज करें, तो आपको जैसा मन करे वैसे। तो तरीका बहुत सारे हैं, आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से लिए पहले इसको हम अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, तब एक मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं, मे बी यूक्लिड डिवीजन लेमा इजी पड़ेगा, प्राइम फैक्टर दोनों भी इजी पड़ेगा। देख लेते हैं, जी मैं 240 लिखता हूँ और प्राइम फैक्टर से सॉल्व करता हूँ, इसको 240 लिखता हूँ और प्राइम फैक्टर से सॉल्व करता हूँ तो क्या लिखूंगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 ठीक, ये ऐसे हो जाएगा आपका 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे क्या है, 132 का लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 ये चीजें इंटू 3 इंटू 43, इन दोनों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वे भी सही होगा। ठीक, ये सही। अब यहाँ से एचसीएफ निकालना हमको, तो ठीक बेसिक चीजें पढ़े हुए हम लोग। तो एचसीएफ के लिए जो कॉमन वही लिखते हैं, यहाँ से ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और क्या कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है। जो कॉमन उसको लिख लेते हैं, तो कॉमन लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 2 8 24, एचसीएफ क्या आ गया आपका 24 आ गया। तो लिख देंगे जो नंबर है वो नंबर कौन सा हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर, इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 5 आना चाहिए। ताइए वेरीफाई करके देख लेते हैं,
एग्जाम में इसे वेरीफाई नहीं करना होता, हम सौ खुद के लिए अपने के लिए वेरीफाई कर दे लेते हैं। 245 को डिवाइड कर दें किससे, 24 से, 24 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा देख लीजिए, हाँ वन टाइम में जाएगा, वन टाइम में जाते हैं तो 24 कट गया, रिमाइंडर क्या आया 5, यानी करा था इस केस में, पहले केस में रिमाइंडर क्या बचा 5 आ गया। फिर उसी से हम इसको डिवाइड करते हैं 24 से, किससे 137 को, यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 5 बचना चाहिए, तो डिवाइड करते हैं कितने टाइम में जाएगा देख लेते हैं, 5 टाइम ले जाते हैं, 5 नहीं 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम तो 4 4 जा 16 को 6 कैरी 1 और 4 2 जा 8 1 9 96, तो 13 में 6 गया 7 और यहाँ 9 कट गया, ठीक है 7 कितने टाइम जाएगा 2 टाइम 3 टाइम, 3 टाइम जाएगा तो 3 4 जा 12 कैरी 1 3 2 जा 6 और 1 7 कट गया, रिमाइंडर क्या आया 5। देखिए यहाँ पर भी जो रिमाइंडर है वो 5 आया और यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आया 5। सो हमारा जो लगा हुआ एस सी एफ है वो आपका सही है, हम इस तरह खुद को वेरीफाई कर सकते हैं। मैं कुछ इस नंबर से आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस में आगे देखें हम लोग, जैसे हमारे क्वेश्चंस है कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, कुछ प्रॉपर्टी भी होती है एचसीएफ की, कुछ प्रॉपर्टी होती है तो प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, क्वेश्चन वो और बहुत सारे हैं लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार चलना है हमको, तो उन्हीं अनुसार से हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ एफ एलसीएम दो नंबर्स के लिए हम निकालते हैं तो क्या होता है, फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवेन नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ नंबर, वही दो नंबर का, इनटू एलसीएम ऑफ नंबर, ये चीज इसमें मान ली दो नंबर आपको दिया है, लेट गिवेन नंबर ए एंड बी, इसको फॉर्मूले में कैसे लगाएंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ ए बी इंटू एल सी एम ए, ये चीज, ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आपके एग्जाम में या आपके बुक में क्वेश्चंस दिया होगा, इस पर भी क्वेश्चंस, बाकी इस पर यदि कॉम्पिटेटिव लेवल पर देखें तो सब बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के भी देता है, ठीक है, तो वहां तक बाद में देखेंगे, फिलहाल आपके सिलेबस की बात कर लेते हैं क्या क्या आपके सिलेबस में क्वेश्चंस हैं। इस बेस पर क्वेश्चंस कैसे होंगे तो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया होगा हमें, मेरे पास एग्जाम्पल्स क्वेश्चन दिया है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, क्वेश्चन में दिया है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449, इफ वन ऑफ देम इज 161, फाइंड
another number, find the other number, दूसरे को find कीजिए। ऐसे क्वेश्चन दिया है, इसका सॉल्यूशन जो होगा देख लेते, सॉल्यूशन कैसे है इसका होता है, तो इस फॉर्मूले में a इंटू बी, दो नंबर मेरे पास कौन कौन से हैं, 33 है, सेकंड नंबर नहीं फाइंड है हमको, सेकंड नंबर हम मान लेंगे x, या फिर कोई ना मान लेंगे, तो सेकंड नंबर मान लेते हैं x, तो फर्स्ट नंबर क्या है मेरे पास 23, तो लिखेंगे सॉरी 23 नहीं है, फर्स्ट नंबर मेरे पास है आपका 161, तो लिखेंगे 161 इंटू सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर है मेरे पास, उसको मान लेंगे x इज इक्वल टू, एस सी एफ क्या है, कोई जरूर नहीं कि पहले एस सी एफ फिर बाद में एलसीएम, पहले एलसीएम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1449 इंटू 23, हमको x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू 1449 इंटू 23 अपन 161। अब देखें मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही उसको पहले कटा लें, देख लें कहीं वो कट तो नहीं रहा है, यदि नहीं कटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा आपको, 12 पर मल्टीप्लाई करेंगे तब डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए ये 9 टाइम में चला जाएगा, 9 टाइम चला जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 12 20 107, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे सेकेंड नंबर इज 207, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिखने ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला लिख करके, तो मेरी इसी समझ में आ चुका होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके बुक में दिए हुए हैं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये एस सी एफ और एल सी एम के क्वेश्चन हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम जैसे दिया जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम कैसा, जैसे मान लीजिए बोल देगा कि बेल का प्रॉब्लम, बेल वाला, 3 घंटी यहाँ है जो कुछ समय के बाद आपस में एक बजती हैं, तो बताइए कितने समय बाद वह एक साथ फिर बजेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी दिया जाता है एग्जाम में आपके बेल के रूप में, तो वहाँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं एलसीएम, मान लो बोले कि 3 घंटियाँ हैं, ठीक है, जो कुछ समय के अंतराल पर, कुछ टाइम इंटरवल पर बजती हैं, यदि वह सुबह 8 बजे एक साथ बजी हों तो बताइए फिर दोबारा कितने बजे बजेंगी, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम देख लेते हैं, जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इस कंडीशन के बेल वाले पे, तो आपको बुक में क्वेश्चन दिया होगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखते हैं, लिखा है 8 बेल टोलिंग टुगेदर एंड टोल एट टाइम इंटरवल 2 3 4 5 6 8, 10 and 12 सेकेंड, इतने सेकेंड के टाइम इंटरवल पर बजती हैं, ठीक है, तो बताना है आपको कि 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी, मतलब कि 8 घंटियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 घंटियां हैं और इतने इतने 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड के टाइम इंटरवल पर एक साथ बजती हैं, तो बताइए वह 30 मिनट में यानी आधे घंटे में कितनी बार एक साथ बजी होंगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दिए गए नंबर्स का पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम निकालने का तरीका चाहे जैसे निकाल लें आप, तो निकाल लें 2 से करेंगे, 2 1 2 3 2 5 3 4 5 6, फिर 2 से 2 1 3 1 5 3 2 5 3, फिर 2 से 1 3 1 5 3 1
फाइव थ्री, फिर थ्री से वन 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 फाइव, वन वन फाइव वन, फिर फाइव से तो वन 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 और वन, ये आपका आ जाएगा। एलसीएम क्या हो गया यार, यहाँ पे जो एलसीएम हो जाएगा आपका ये हो जाएगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव, ये आपका एलसीएम आया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पंद्रह साठ गुना 120 यानी 120। अब चूंकि क्वेश्चन में क्या था कितने सेकेंड के टाइम इंटरवल पर है, जो मेरा एलसीएम आया वो भी क्या आएगा सेकेंड में आएगा, जो एलसीएम आएगा वो किस में आएगा सेकेंड में, 100 टोटल मेरे पास सेकेंड कितना गया 120 सेकेंड में, वो एक साथ बचती है। जब 120 सेकेंड होता है तो एक साथ बच जाती है फिर आगे चलती है, फिर जब 120 सेकेंड होता है फिर एक साथ बच जाती है फिर आगे समय आता है। तो 120 सेकेंड का मतलब कितना हुआ या 2 मिनट, यही ना, 20 सेकेंड मतलब 2 मिनट की बात कर रहा है, नहीं हर एक 2 मिनट के टाइम इंटरवल पर वे घंटियां आपस में एक साथ बजती हैं। अब 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, यदि 2 मिनट में एक बार बजती तो 30 मिनट में 15 टाइम, यदि आप यह एग्जाम में आंसर ले लिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहली बार जब 0 से 2 हुआ होगा एक बार बजा होगा 2 मिनट, फिर 4 मिनट पर एक बार बजा होगा, फिर 6 मिनट पर एक बार बजा होगा, फिर 8 मिनट, फिर 10, फिर 12, फिर 14 हुआ होगा ना इसे 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26, फिर 28, फिर 30, इतने समय में वो बजा कितनी बार बजा हुआ 15 टाइम में, नहीं देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी वह 30 मिनट में 16 टाइम्स एक साथ टोल करेंगी या फिर बाजेंगी। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा 16 टाइम घंटियां एक साथ बजेंगी कितने मिनट में 30 मिनट में। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में भी समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या कहा था कि 8 घंटियां हैं जो कि कुछ टाइम इंटरवल बाद बजती हैं, पहली घंटी 2 सेकंड के इंटरवल पर, दूसरी घंटी 3 सेकंड के इंटरवल पर, तीसरी घंटी 4 सेकंड के इंटरवल पर, ऐसे जितनी भी घंटियाँ हैं इतने सेकंड के इंटरवल पर बजती हैं। तो बताइए 30 घंटे में कितनी बार एक साथ बजी होंगी, उसके लिए हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम हमने फिर मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट में देखा कि आंसर कितना आएगा 16, तो जितनी बार होगा उसमें से एक ज़्यादा टाइम वो बजेगी तो आंसर हो जाएगा आपका 16 टाइम। मे बी ये सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपके सामने कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दूंगा जो कि आप लोग प्रैक्टिस करके घर पे लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं होमवर्क लिख देता हूं, डायरेक्ट आप लोग यहां से देख लीजिएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में सॉल्व कर लीजिएगा, जो ना आएगा मे भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप लोग ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में और भी बहुत सारे दिए होंगे, उसको सॉल्व कीजिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके से इससे थोड़ा हाई लेवल तक के कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और कुछ नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जिससे आप कुछ नया सीख सकें, यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही टॉपिक होगा लेकिन कुछ एडवांस लेवल का टॉपिक होगा, मे बी ये समझ में आया होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नए टॉपिक लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।